गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड, जीके रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। फ्रेंड्स, इसमें से कुछ क्वेश्चन वो हैं जो मैंने आपको करवाए गए हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अभी तक नहीं करवाए जो जीके से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का उपयोग किया गया था? सरसों गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का उपयोग किया गया था? 5 सेकंड मिलते हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए, या फिर आप अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चंस के आंसर नोट करके और वीडियो से मैच करके फ्रेंड्स आप अपना स्कोर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है फ्रेंड्स हमारा? सरसों गैस। प्रथम विश्व युद्ध में सरसों गैस का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रेंड्स तीरंदाजी, पर्वतारोहण, स्कीइंग। क्वेश्चन क्या है हमारा, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, पर्वतारोहण, स्कीइंग। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा फ्रेंड्स, क्या है? तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1947 के बाद पंजाब की अस्थाई राजधानी कौन सी थी? 1947 के बाद पंजाब की अस्थाई राजधानी कौन सी थी फ्रेंड्स? लाहौर, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर शिमला? लाहौर, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर शिमला। 1947 के बाद पंजाब की अस्थाई राजधानी कौन सी थी? लाहौर, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर शिमला। ऑप्शन 4 शिमला इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए। का नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी। 5 सेकंड मिलते हैं फ्रेंड्स आपको, गॉडविन ऑस्टिन, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। जीके का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, संगम किद्वंती के अनुसार, महाभारत योद्धा को किस राजा ने दावत पर बुलाया था फ्रेंड्स? उडियंजरल, करकल या नेदुरजेलियन। फ्रेंड्स महाभारत से एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं, मैंने एक क्वेश्चन ये जी के से लिया है अभी। संगम किद्वंती के अनुसार महाभारत योद्धा को राजा ने दावत पर बुलाया था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उडियंजरल राजा था कोई, उन्होंने दावत पर जिसको बुलाया था। एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन शुरू किया था, उसने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के माध्यम से अभियान चलाया था फ्रेंड्स? एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन शुरू किया था, उसमें निम्नलिखित में से समाचार पत्र पूछ रखे हैं, इसमें कौन सा समाचार पत्र था जो एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन की मांग के लिए होम रूल आंदोलन में शुरू किया था? न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। 5 सेकंड मिलते हैं आपको, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आप, या फिर अपना स्कोर टोटल करके आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, न्यू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में एक सही जोड़ी बनाता है, फ्रेंड्स असम बिहू, ये डांस हैं, सारे जीके का क्वेश्चन है, 100% आएगा ये क्वेश्चन डांस से रिलेटेड, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उनको रिमाइंड कर लेना एक बार। असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जोड़ी बनाता है फ्रेंड्स? 3 गलत हैं और इसमें एक सही है। असम बिहू इज करेक्ट आंसर, असम बिहू का डांस, बिहू असम का डांस है।
नेक्स्ट है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें भी फ्रेंड्स क्या है हमारा विटामिन से संबंधित है क्वेश्चन। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। इसमें दो सही हैं और एक सही है और दो गलत हैं फ्रेंड्स। इसमें विटामिन ए रिकेट्स। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। बताइए फ्रेंड्स इसमें विटामिन बी बेरी बेरी सही सुमेलित है। इसमें विटामिन बी बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेबल टेनिस में भूतल से खेल के सतह की ऊंचाई बताइए। टेबल टेनिस में भूतल से खेल के सतह की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है 70 मीटर, 70 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेनिस में बैक हैंड शब्द का अर्थ। टेनिस में बैक हैंड शब्द का अर्थ बताइए फ्रेंड्स। शॉट जिसमें एक प्रतिद्वंद्वी गेंद को वापसी करने में विफल रहता है। रिटर्न स्ट्रोक जब कोई गेंद को स्ट्राइक करता है जैसे वह जमीन से छूती है और फिर उठती है। ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाता है। जिस हाथ में रैकेट है उसी उसकी उल्टी दिशा में आने वाले गेंद पीछे मुड़कर लगाए जाने वाले शॉट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। बैक हैंड कहते हैं। ऑप्शन थ्री इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC किस वर्ष स्थापित की गई थी फ्रेंड्स। IOC की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। 1892 में, 1893, 1894 या 1895। बताओ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन 1894 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा अंग रक्त के pH को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। निम्न में से कौन सा अंग रक्त के pH को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। यकृत, वर्क, हृदय या फिर मस्तिष्क। बताइए फ्रेंड्स pH को बनाए रखने के लिए शरीर में pH मान को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है। वर्क ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2020 किस शहर में आयोजित किए जाने वाले हैं फ्रेंड्स। ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने वाले हैं। लॉस एंजिल्स, लंदन, बीजिंग या पेरिस। बताइए फ्रेंड्स ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर। पेरिस में आयोजित होंगे 2020 के गेम। 2018 में विराट कोहली के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन हैं। टीटू लुका, जेरेमी लालिंगनुगा, नीरज चोपड़ा या फिर मीराबाई चानू। 2018 में विराट कोहली के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन हैं फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन बताना है आपने इसमें से, सॉरी दूसरा मेंबर बताना है कौन सा है। मीराबाई चानू इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन फोर नंबर इसमें करेक्ट आंसर है। देश में खेल विकास नियंत्रण मूल रूप से किसके पास होता है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेल संघ महासंघ के पास होता है, भारतीय ओलंपिक संघ के पास होता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय के पास या इनमें से कोई नहीं। देश में खेल विकास का नियंत्रण मूल रूप से किसके पास होता है फ्रेंड्स। भारतीय खेल महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ, युवा मामले और खेल मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन राष्ट्रीय खेल महासंघ। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य स्रावित ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अग्नाशय, रीनल ग्रंथि, अधिवेग ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन पीयूष ग्रंथि इज करेक्ट। जब क्रिकेट में बल्लेबाज बिना एक भी रन बनाए आउट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब क्रिकेट में बल्लेबाज बिना एक भी रन बनाए आउट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। ड्राइव, डक, फ्लाइट या फिर गूगली।
बल्लेबाज बिना एक भी रन बनाए, मतलब कोई भी रन नहीं बनाता और वह आउट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? डक कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकोलॉजी इज द स्टडी एंड साइंस ऑफ माइंड, किसने कहा? साइकोलॉजी इज द स्टडी इन एंड साइंस ऑफ माइंड किसने कहा फ्रेंड्स? विलियम जेम्स, मैकडगल, वुडवर्थ या मार्केस ने? विलियम जेम्स, मैकडगल, वुडवर्थ या मार्केस ने? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, विलियम जेम्स ने। 2019 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कारों में एमर्जिंग मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने प्राप्त किया फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कारों में एमर्जिंग मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्राप्त किया, किसने प्राप्त किया? अब्दुल सहगल, दीपेंद्र नेगी, परित्रम कुमार सिंह, संदेश जिंगन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, अब्दुल सहगल। शारीरिक शिक्षा का दर्शन पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा का दर्शन डैश पर आधारित है, अस्तित्ववाद, व्यवहारवाद या उदारवाद? अस्तित्ववाद, व्यवहारवाद, उदारवाद। शारीरिक शिक्षा का दर्शन पूछा गया है फ्रेंड, शारीरिक शिक्षा का दर्शन डैश पर आधारित है, तो उदारवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जी मॉर्गन को किस खेल का जन्मदाता माना जाता है? विलियम जी मॉर्गन को किस खेल का जन्मदाता माना जाता है? बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर रग्बी? बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, पीवी सिंधु वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में फाइनल में ताई जुई सिंह से हार गई थी, ताई जुई सिंह किस देश से हैं फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में फाइनल में ताई जुई से हार गई थी, ताई जुई किस देश से हैं? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपी? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर चीनी ताइपी? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, चीनी ताइपी से हैं ये। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? पहले क्रिकेटर कौन है फ्रेंड्स? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी या फिर कपिल देव है फ्रेंड्स? ये कल देव रॉन्ग हो गया, कपिल देव है यहाँ पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। पहली विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप 1949 में डैश में आयोजित की गई थी, पहली विश्व वॉलीबॉल चैंपियनशिप 1949 में डैश में आयोजित की गई थी, प्राग, पेरिस, रूस, कनाडा? प्राग, पेरिस, रूस या फिर कनाडा? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीते? एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे फ्रेंड्स? 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं फ्रेंड्स। अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका कितना स्कोर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।